अस्सलाम वालेकुम। आज की इस रेसिपी है चिकन अफगानी। पहले एक पेस्ट बना लेंगे। काजू, बादाम, प्याज, हरी मिर्च, कोथमीर, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड करें। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। पहले ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डालें। दही, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक डालें। इसको अच्छे से मिक्स करें और मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए रखें। अब एक बर्तन में तेल लें और उसमें मस्का डालें। जब मस्का मेल्ट हो जाए, चिकन के एक एक पीस लेके इसमें डालें, मसाला हटा के डालें। अब इसको फुल फ्लेम पे ही पकाएं। एक तरफ से हो जाए तो उसका साइड चेंज करें। साइड चेंज होने पे उसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके कुक करें। जब चिकन पूरी तरह से कुक हो जाए तो फ्लेम ऑफ करें। चिकन को एक प्लेट में निकालें। अब वही बर्तन में दबर थोड़ा बटर ऐड करें। अब उसमें लौंग, दालचीनी और इलायची डालें। थोड़ा भून जाए फिर उसमें अपना मैरिनेशन का जो मसाला बच गया था वो पूरा डालें। इसको अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक के भुनें। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें क्रीम डालें। क्रीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें और लो फ्लेम पे रखें। अब इसमें जो चिकन हमने कुक किया है वो पूरा डाल दें। इसको भी चिकन को मसाले में मिक्स करें अच्छे से। अब आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो हिसाब से पानी डालें। उसको कवर करके कुछ देर के लिए लो फ्लेम पे रखें। अब 2 से 3 मिनट बाद इसको बस मिक्स करें। और फ्रेश कोरिएंडर डाल के गार्निश करें। चिकन अफगानी रेडी हो गया। अल्लाह हाफिज़।